दिस इज पंकज चौहान एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स फॉर एवर। दिस इज पार्ट 10 ऑफ क्लास 5 सुपर सिलेबस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को फिगर से वर्ड्स में लिखना। इस क्लास में हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर वर्ड्स में गिवन होगा, उसको हमने लिखना होगा फिगर्स में। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपसे बोला जाएगा कि नंबर को फिगर्स में लिखना है ठीक है कोमा लगा करके, दूसरा आपसे बोला जाएगा विदाउट कोमा ठीक है। अब दोनों ही केसेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा होगा वर्ड्स में, इस टाइप से आपको निबल दे रखा होगा, आपसे बोला जाएगा कि इसको जो है फिगर्स में लिखना है ठीक है कोमा लगा करके। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने इधर से निबल को पढ़ना स्टार्ट करना है और जैसे ही पहला पीरियड आपको दिख जाए रुक जाना। 200 मिलियन, तो आपको मिलियन जो है पता है कि वो एक पीरियड का नाम है, यहां पे आपने स्टॉप हो जाना है ठीक है। मिलियन लिख लेते हैं, इससे पहले जो नंबर था इसके नीचे लिख लेना कितना था 200, तो 200 आपको लिखना आता है ना 200 ठीक है सिंपल। अब क्या करना है, आपने मिलियन के राइट साइड में जितने भी पीरियड्स होते हैं, आपको पता चल गया ना मिलियन मतलब इंटरनेशनल सिस्टम की बात चल रही है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन से पहले जितने भी पीरियड्स होते हैं सारों के नेम आपने लिख लेने हैं। तो मिलियन से पहले क्या होता है आपका थाउजेंड्स होता है ठीक है, इससे पहले क्या होता है आपका वंस होता है। पीरियड का नेम लिखना है, साथ में ये भी लिखना है कि कितने डिजिट्स होते हैं, किस पीरियड में कितने डिजिट्स होते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में हर पीरियड में 3 ही डिजिट होते हैं, तो थाउजेंड्स में आपका 3 डिजिट्स होंगे, वंस में भी आपके 3 डिजिट्स होंगे। ये चीज आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 200 लिख दिया ठीक है, मिलियन लिख दिया, इसके आगे हम चले तो हमने देखा 13,000, क्या लिखा हुआ है 13,000, यानी 1000 वाले पीरियड में 13 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 13। लेकिन आप देखोगे कि 13 जो है वो तो एक 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन थाउजेंड्स में तो आपने 3 डिजिट लिखने हैं, तो इसके आगे एक आपको 0 लगानी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना 3 ही डिजिट लिखने पड़ेंगे आपको ठीक है, 2 थे तो 1 0 लगा दी, 1 होता तो आपको 2 जीरोज लगा दी थी सिंपल ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 013 ठीक है सिंपल। अब आगे चलेंगे, ये आपका पूरा हो गया ठीक है, थाउजेंड्स आपने लिख दिया 587। हमेशा ध्यान रखना जब नंबर के आगे कोई पीरियड का नाम ना हो तो आप समझ जाना वो लास्ट पीरियड है। मैंने आपको बताया था वंस पीरियड का कभी भी नाम नहीं लिखा होता है ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 587, तो 587 आप अलग देखो क्या होता है ठीक है, यही होता है ना 587। तो आपको पता है हमें 3 डिजिट लिखने थे और ये 3 ही डिजिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज आप इसको लिख दो 587 ठीक है। अब कोमा प्लेस करना आपको पता है, हर एक पीरियड के बीच में डाल देते हैं ठीक है, यहाँ कोमा आ जाएगा ठीक है, यहाँ कोमा आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 200013587 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको करने के बाद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 287 million 503 ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको इसने क्या करना है, आपने क्या करना है इसको फिगर्स में लिखना है ठीक है। अब कोमा लगा के लिखना है या नहीं लिखना है वो क्वेश्चन में लिखा होगा, अपने अकॉर्डिंग उसको देख लेना। सिंपल आपने क्या करना है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है और जहां पे भी आपका पीरियड का नाम आ जाए, फर्स्ट पीरियड आपको दिख जाए रुक जाना 287 million ठीक है, मिलियन आपको दिख गया ठीक है। आपने क्या किया, मिलियन लिख दिया और इससे पहले जो नंबर था वो इसके नीचे लिख देंगे, क्या था 287 ठीक है, 287 सभी को लिखना आता है ठीक है, 287 हमने लिख दिया सिंपल। अब कुछ नहीं करना, स्टॉप हो जाइएगा ठीक है, और मिलियन से आगे कौन कौन से पीरियड्स होते हैं वो लिख लो पहले ठीक है। मिलियन के इधर होता है आपका थाउजेंड्स, जिसमें आपके कितने डिजिट होते हैं 3 डिजिट होते हैं, साथ में ये भी लिखना है ठीक है। उसके आगे होता है आपका वंस, जिसमें 3 डिजिट ही होते हैं ठीक है, ये आपने लिख लिया। आगे चलते हैं, इसके आगे आपने देखा 503, लेकिन इसके आगे कोई पीरियड का नाम नहीं है, तो समझ जाना ये आपका वंस पीरियड है ठीक है। वंस पीरियड का नाम नहीं लिखा जाता ना, तो ये आपका वंस पीरियड में लिखा जाएगा। 503 कहां लिखा जाएगा, वंस
पीरियड में और 3 डिजिट लिखे जाते हैं, आप देखो 503 ये होता है ना, 3 ही डिजिट है, तो आपने इसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जो थाउजेंड्स वाला पीरियड था वो मिसिंग था, वो तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं था, तो कुछ नहीं करना है, जो पीरियड मिसिंग हो उसमें सारे जीरोज डाल देने, ठीक है। 3 डिजिट होते हैं ना, तो 3 जीरोज आपने यहाँ पे लगा देने हैं। अब आपकी चॉइस है कि कोमा लगाने के लिए बोला है, यहाँ पे आप कोमा भी लगा सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 9,009,009 सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, फिगर्स में लिखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 मिलियन पहला पीरियड आपको दिख गया क्या है, मिलियन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मिलियन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में इससे पहले क्या था, 9 था, तो 9 लिख दिया, सिंपल, ठीक है। मिलियन के आगे की आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मिलियन के इधर क्या होता है आपका, थाउजेंड्स, जिसमें आपके 3 डिजिट होते हैं, फिर आपका वंस होते हैं जिसमें भी आपके 3 डिजिट ही होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 मिलियन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, आगे क्या है 9,000। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो 9 है वो तो एक सिंगल डिजिट है ना, लेकिन थाउजेंड्स पीरियड में तो 3 डिजिट लिखे जाते हैं, ठीक है। 3 डिजिट कैसे लिखेंगे, इसके आगे लगानी पड़ेंगे आपको 2 जीरोस, ठीक है। तो ये 009 लिखा जाएगा, सिंपल। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा होता है, थाउजेंड्स के आगे लिखा होता है 9। इस नंबर के आगे कोई पीरियड नहीं है, तो समझ जाना ये आपका लास्ट पीरियड है, ठीक है, यानी वंस पीरियड है। अब आप फिर से देखोगे जो 9 है वो तो आपका सिंगल डिजिट है ना, लेकिन आपने 3 डिजिट लिखने हैं, तो क्या करोगे, बाकी 2 आपके लगाओगे, 0 लगा दोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका 009, और आप कोमा भी डाल सकते हो यहाँ पे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन है, इसको आपने फिगर्स में लिखना है। आई होप कि सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, आपने क्या किया होगा, पहले देखा होगा कौन सा पीरियड है, 702 मिलियन, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड आपको दिख गया मिलियन है, ठीक है। तो आपने मिलियन लिख लिया यहाँ पे, यानी एम लिख दिया। इसके नीचे नंबर लिख दो, क्या था, 702, ठीक है, 702 न्यूमेरल लिख दिया। आगे आपने देखा, ठीक है, आपने क्या करना होता है, आगे आपने किया होगा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, टेबल को। मिलियन के इधर होता है आपका थाउजेंड्स, ठीक है, फिर होता है आपका वंस। थाउजेंड्स में होते हैं 3 डिजिट्स, और इसमें भी होते हैं आपके 3 डिजिट्स, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 54,000, यानी थाउजेंड पीरियड है नेक्स्ट, ठीक है। उसमें लिखा क्या है, 54। अब आप देखोगे कि जो 54 है वो तो एक 2 डिजिट का नंबर है ना, तो आपने इसको 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करना है, 0 डालनी है इसके आगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसको थाउजेंड पीरियड में, ये हो गया आपका 54,000। अब आपने देखा थाउजेंड्स के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, इट मीन्स ये वाला पीरियड आपका मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी आपने क्या डाल दी होंगी, जीरो डाल दी होंगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कोमा लगा दिया होगा, तो ये सभी का आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन है 802 मिलियन। आंसर आ गया होगा सभी का, ठीक है। आपने क्या किया होगा, इसको पढ़ना शुरू किया होगा, जैसे ही फर्स्ट पीरियड आया होगा आप स्टॉप कर गए होगे, ठीक है, रुक गए होगे। 802 मिलियन, तो मिलियन पे आपने रुक जाना था, मिलियन आपने लिखा होगा M, ठीक है। इसके नीचे नंबर क्या था, 802, ठीक है, 802 लिख दिया, सिंपल। इसके आगे आपने देखा, इसके आगे आपने पहले टेबल कंप्लीट की होगी, थाउजेंड, ठीक है, वंस। थाउजेंड्स में 3 डिजिट्स होते हैं, वंस में भी आपके 3 डिजिट्स होते हैं, लेकिन मिलियन के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं था, इसका मतलब इसके आगे के सारे पीरियड्स मिसिंग थे, ठीक है। थाउजेंड्स में मिसिंग था, वंस में मिसिंग था, जो मिसिंग है उसमें सारी की सारी क्या डाल देनी है आपने, जीरोज। यहाँ भी 3 जीरोज, यहाँ भी आपने 3 जीरोज, ठीक है। कोमा लगाने के लिए अगर आपको बोला जाता है तो आप कोमा भी लगा सकते हो। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और करना है आपने, फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन है 305,000 72। देखिए सभी का आंसर आ गया होगा, आपने क्या किया होगा, पीरियड देखा होगा फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, 305,000, ठीक है। तो इस बार जो है आपका फर्स्ट पीरियड जो था, ठीक है, जो सबसे पहले आपको दिखा था वो क्या था, थाउजेंड्स था, ठीक है। तो आपने थाउजेंड लिख लिया, इससे पहले जो नंबर था वो आपने लिख दिया 305, ठीक है। इसके
इसके आगे कौन सा पीरियड होते हैं वो लिख लेना। थाउजेंड्स के आगे सिर्फ एक ही पीरियड होता है वंस, जिसमें कितने डिजिट्स होते हैं, थ्री डिजिट्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसके आपने देखा इसके आगे क्या था नंबर आपका 72, और इसके आगे कोई पीरियड नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका वंस पीरियड ही तो बचा था और वंस पीरियड कभी नहीं लिखा होता है ना, तो 72 लिखना था आपने। 72 तो एक टू डिजिट का नंबर है, लेकिन आपने लिखने तो यहाँ पे थ्री डिजिट्स है ना, तो आपने एक यहाँ पे जीरो डालनी थी, तो आप इसको 072, ठीक है, और कोमा भी लगा सकते थे, 305072 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।